कहानी है सत्यवान। सत्यवान जो है वो पिता पर उसका पिता का हाथ छीन लिया गया और सत्यवान का शादी सावित्री से हो। सावित्री जो था बहुत प्रतिवर्ती थी, प्रतिवर्ता नारी थी और जब सावित्री की शादी हुई थी तो नारद भगवान उसे कह दिया था कि नौ तारीख को तुम्हारा पति दूर हो जाएगा। सत्यवान जो है वह अपने माता पिता का पालन पोषण लकड़ी काट के बेच करके उसी से भरण पोषण करते थे। जब वह तारीख आया जिस दिन उसका मृत्यु था वह तारीख आया तो सावित्री ने कहा कि आपके साथ मैं भी चलकर जाऊँगा। देखते हैं कि नहीं, बिना मेरे माता पिता के आदेश से नहीं आ सकता। सावित्री ने जाकर सास ससुर से आज्ञा लिया और कहा कि मैं आज्ञा ले लिया। सावित्री को साथ लिया और चले गया पर जंगल। जंगल में जब घास पर चढ़ा लकड़ी काटने लगा तो माता पर मेरा नाम कर हो गया ताकि जल्द नीचे आई। सत्यवान में नीचे आया, नीचे आते आते ही होने का वरदान दिया मेरे पति को लेकर चले।
शरीर मिलता हाथ का बड़ा भाग होता, मन शरीर का बड़ा भाग नहीं होता।
सत्संग ध्यान अभ्यास करना चाहिए। अगर मैं पाप से नहीं बचेगा तो लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं हो सके। करना हम ही तो भक्ति करते हैं। भक्ति कैसा भक्ति करते हैं, क्या भक्ति 84 से नहीं बता सकेगा। हम लोग जो भक्ति करते हैं वो भक्ति 84 से बता नहीं सकेगा। बस में भगवान रहते हैं और तुम
आज वे नहीं है, सत्संग के माध्यम से हम ज्ञान दे रहे हैं। जिस तरह से हम मंदिर बना करके बाल बच्चा को शादी बाहर करा करके छोड़ के चले आए हैं, एक दिन सबको आना पड़ेगा। एक बार वनवास काल में पांचों भाई पांडव जब जंगल में थे, उसी समय यक्ष क्या करते हैं, हिरण का रूप में अरणी मंथन लेकर के भाग रहा था। पांचों भाई पांडव पीछा किया, आखिर कहां लेके जाता है। बहुत लागया दूर घोर जंगल में, ना हिरण है ना कुछ है, पांचों भाई पांडव भूखा प्यासा अब सोचते हैं कहां पानी मिले। कहा भीम चढ़ के देखो तो कहीं अगल बगल में पानी है। भीम गाछ में चढ़ते कहा भैया दूर में है, बगुला उड़ता है तो पानी हो गए। कहा नकुल जाओ तो पानी पी लेना और लेते आना, हम लोगों के लिए थके हुए हम लोग सबको ही है, और सब जाएंगे तो सब थकेंगे, एक आदमी लेते आएंगे तो सब पानी पी ले। नकुल खोजते खोजते गए पानी के लिए, जैसे पानी भर रहा था यक्ष कहते हैं अरे किसको तुम पा रहा था, खोज रहा था, हम ही है हमें, पानी मत पियो, पहले के जवाब दो तब पानी पीना, नहीं तो मर जाओगे। कहा जानते हम लोग कौन हैं, पांचों भाई पांडव हम लोग ने। कहा कुछ भी हो मेरा उत्तर दो और पानी पी लो, जितना मर्जी पानी का जाओ, अधिकार मेरा पानी पर है तुम्हारा नहीं। हमसे बिना आज्ञा लिए तुम पानी लोगे तो मर जाओगे। नकुल नहीं माना, प्यासा था, जैसे पानी पिया उलट के गिर गया। उसके बाद सहदेव आते हैं, उससे कोई बात था वो भी नहीं माना। भीम अर्जुन भी गिर गया। जब ऋषि महाराज आए हैं, प्यासा थे पानी पीना चाहते हैं, कहा ठहर जाओ, बिना उत्तर दिए मेरा पानी पी नहीं सकते हो। अगर पानी पियोगे जो हाल चार भाई का हुआ है वो हाल तुम्हारा भी होगा। कहा महाराज क्या प्रश्न है कीजिए। वही कहा था रास्ता क्या है, आश्चर्य क्या है। कहते हैं जिस रास्ते से महान पुरुष आए और चले गए रास्ता वही है। संत लोग जो रास्ता पर आए, भगवान राम आए, कृष्ण आए, भगवान शिव आए, जिस रास्ता को वो पकड़ रहे हैं रास्ता वही है अपना घर जाने के लिए। बाकी मेरा मर्जी का जो आप भटक रहे हैं, ना रास्ता में ना मंदिर मिलेगा। रास्ता चल रहे हैं मुसाफिर, कहाँ जाना है। कहा नाम भुला गए। अगर नाम आपके पास है तो कोई बता देगा फलवा जगह कुआड़ी गाँव है, और नामे याद नहीं है कहाँ जा रहे हैं, भटक के मर जाइएगा, ना गांव मिलेगा ना भेंट होगा। वही हाल हम लोगों का है। भक्ति तो करते हैं, निवेदन करते हैं, भक्ति ये करना ये आत्मा का खुराक है, तन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तने को साधते हैं, भोग लो प्यास लो उपास करो भाई मरो, तन को क्या लेना देना है। तन तो बचाने के लिए मिला है, तो खाना दो पानी दो तब जल रहेगा, इसी को खाना पीना पर सिया लो दवा खा। इसी ऋषि कुमार ध्यान पड़ता है लोग उपवास ऋषि रहती है, ये भक्ति नहीं। उपवास का मतलब है परमात्मा के पास आपका वास हो, नजदीक उनका आप हैं तो परमात्मा के साथ हैं। पिंड में आप हैं, ब्रह्मांड में परमात्मा है, बीच में दूरी थोड़ा पड़ गया है, एक पर्दा गिरा हुआ है काला पर्दा,
उसी को हटाना है आसे पास, दूर में तो है नहीं। इसलिए कहते हैं मोह को कहां खोद बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मैं काबे काशी कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है परवर की तलाश में। श्री महाराज कहते हैं ये हमारे महापुरुष जो रास्ते से आए हैं वही रास्ता सही है। ए मस्तो आश्चर्य केवल आश्चर्यम का आश्चर्य ही है। लोग मरते हैं, जलाने जाते हैं और जला करके भी आते हैं, लोग सोचते हैं फल्ली मोले फल्ला मोल इधर नहीं मरता है, जबकि जानता वो सब मरने वाले का है। ये कहा कर विचार कहते हैं साधो ए मुर्गन की गांव, साधो ए मुर्गन की गांव, फिर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी, फिर मरा पैगंबर मर गया, जोगी भी मर गया, कोई नहीं बचा दुनिया मर मर करके कहां गया। यही कला गुरु बताते हैं मरना तो सबको है लेकिन मरकर कहां गया। सहनदास जी अपना घर गया, वो भटका नहीं हो क्योंकि वो नाम का डोरी पकड़े रखा है। नाम मिलाता है नामी से, जिस प्रकार आप गुरुजी बनते कुआरी जाना है, नाम आपके पास में है कुआरी आप पहुंचिएगा, नामे नहीं तो कहां जाइएगा। इसलिए कहते हैं कोटि नाम संसार में ता से मुक्ति न हो, आदि नाम गुप्त जपे बुझ गुरला कोई, कोई बुझता सब नहीं। इसलिए निंदन करते हैं भटक के मत। और पांचों भाई पांडव, चार भाई मरा हुआ है, यक्ष खुश हो गया उत्तर सुन करके, कहा एक काम करो तो हम खुश हैं, चार भाई में से एक भाई को जिंदा कर लो, जिसको कहो जिंदा कर देंगे, चारों मरा हुआ है। कहा कि मेरा छोटा भाई नकुल को जिंदा कर दे। कहा नकुल को, अरे भीम जैसा भाई बलवान तुम्हारा, इंद्र जैसा भाई तुम्हारा अर्जुन, अरे उसको मान लो तो नकुल से क्या होगा। धर्मराज हैं वे कहते हैं एक माँ का बेटा मैं जिंदा हूं, कुंती का बेटा, और मेरी छोटी माँ माते का बेटा नकुल शरीर है, ताकि यह नहीं कहे जंगल पर मेरा भाई बेटा को ले गया, मेरा कुक सुना कर दिया, एक बेटा हम जिंदा रहेंगे, एक बेटा माते का जिंदा रहेगा तो बदनामी नहीं होगा, हमको वीर बेटा नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, मेरा सहोदर भाई नहीं चाहिए, लेकिन सौतोदिमा का बेटा नकुल चाहिए। धर्म कहता है उसका बेटा रहेगा, मेरा बेटा रहेगा, रोएगा नहीं, नहीं तो मां रोते रोते मर जाएगी। कहा धर्म के अवतार श्री महाराज में खुश हूं आपका वरदान से, हम चारों भाई जिंदा कर देते हैं आपका सदगुरु महाराज की जय। और धर्म के रास्ते पर रहा, चार भाई को जिंदा कर दिया, और पांचों भाई फिर बुरा वनवास काल में, अरे हम लोग को थोड़ा दुख पड़ता कितना रोते हैं, अरे वनवास काल में द्रौपदी को कौन जो दुख हुआ है, हम लोग आते ना दुख के मर जाते पानी न जिंदा न सही, बहुत दुख को सहाते पानी हम लोग निवेदन करते हैं। अरे दुख और शोक जीवन में तो ही जीवन है, इसी का नाम जीवन है, दुख और सुख जीवन में नहीं आया फिर जीवन कैसा, इसी में सहलना है दुख और सुख को सहते। हम लोग सोने देखे भी नाच में बिहोला का नाच देखे बिहोला विश्वरी, बिहोला विश्वरी नाच में बिहोला पतिवर्ता नारी थी और उनका पति को मनसा मार देगा, इसलिए उनके पिताजी ऐसा व्यवस्था किया था
वहां पर सांप नहीं जा सके। मारे पूरा घर पैक कर दिया था, लेकिन मनसा कहा था देखो मिस्त्री थोड़ा तो अगर डंगरी दे दी, डर भी है कैसा फिर दे दिया, हमें को डसवा दिया, ये तो बाल के बराबर छेद रख दिया, एक बाल केस का छत में टोका रख दिया। और उस दिन से तब जो है बिहोला अपने पति के साथ पहला रात घर गोहला में आए हैं, दोनों पति पत्नी बातचीत कर रहे हैं, उसी समय उस केस का दोगा से शव घुस गया और डंक मार दिया। बिहोला रोती हुई कहती है देखो मेरे पति को समक काटा है, जलाने देंगे नहीं, ऐसा करो घोड़ा बना दो, नाव बना दो, हम अपने पति के लाश के साथ भगवान जो करे गुरु जो करे हमको, हम पति के लाश को छोड़ेंगे नहीं, तो वापस आएंगे तो जिंदा करके आएंगे, तो मरेंगे तो पति के साथ मरेंगे। शंकर बलिया गुरु क्या था बेहोला, ऐसे पावर था। और बेहोला जो है अपने पति का नाव में लेके लाश को 6 महीना भी लिया था, मास्टर की गिर रहा था, कीड़ा फर गया था, गुण करता था, खाना पीना सब छोड़ दिया और पति के लाश को लेकर के चलते 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 बहुत आगे भाग गया था। माता पिता राजपाल को छोड़कर उसी दरबार में एक नेता नाम की लड़की जो मनसा की सहेली थी, देखो जाकर परीक्षा लो तुम ये लड़की कैसी आना चाहती क्या करना चाहती है, वो धूप जाकर धोपड़ी क्या करती है, नेता कपड़ा खींचने आई है, बच्चा को साथ में लाया है, बच्चा रोता है, गुस्सा में को मार दिया, बस बच्चे को गुस्सा से मार देता नहीं खत्म, कपड़ा धो लिया फिर बच्चा जिंदा कर लिया लेके जा रहा है। कहा माता जी आप मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं तो क्या मेरा पति जिंदा नहीं होगा। माता जी आप कौन हैं, आप बच्चे को मार दिए फिर जिंदा कर लिए, ये विद्या आपके पास है तो हमको भी बता दीजिए बहन, पति मेरा मरा हुआ जिंदा कर दीजिए। चलो मेरे पास तो नहीं है लेकिन चलो तो भगवान शंकर के दरबार में, वहां न्याय होता है, मैं उसी द्वार में रहती हूं। और कहते हैं अपना पति कंकाल को साथ लिया भगवान शंकर का दरबार चला गया, और भगवान शंकर दरबार में भूखा प्यासा रहते हुए भी इतना नाच नाची हो बेहोला भगवान दलित हो या बेटी मां को वरदान क्या चाहती हो। कहा भगवान मेरे पति को जीवित कर दीजिए, नारी के लिए पति ही घर है दुनिया बच जाए। ए मस्तो जिंदा कर रहे मनसा कहते उसकी बेटी भगवान शंकर की बेटी मनसा थी, कहा पिता जिंदा मत कीजिए। कहा बेटी ऐसे पतिव्रता नारी का अपमान करना धर्म के विरुद्ध है बेटी। कहा मेरा पूजा भी होना चाहिए, कहा पूजा संसार लोग करेगा, अरे जो गुरु भक्ति कर लिया है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, गुरु भक्ति करने वाला सबका पूजा करता है, और बेटी ये गुरु क्या है इसलिए अधिकार इस पर तुम्हारा लागू नहीं होगा, तू स्वयं तो पूजा वो दे रहा है। देवी देव समस्त पुराने ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करनी वास कहत है संत सबो। पढ़िए सिंह नाम हजार नाम भगवान जी का है, एक नाम गुरु भी आया है, पढ़िए विष्णु प्रणाम पढ़िए हजार नाम विष्णु भगवान का है, एक नाम गुरु भी आया है। गुरु नाम हर देवता के इसमें लगा हुआ है, गुरु कहां बन के रह गया, इसलिए गुरु ऐसा नाम है
जो जन्म दिया है वो भी माता पिता गुरु आपका है, जो शिक्षा दिया वो भी आपका गुरु है, जो दीक्षा दिया वो भी गुरु आपका है, जो क्रम सीखे जिससे आप हैं वो भी गुरु जी आपका है। इसलिए गुरु शब्द ऐसा है जो जन्म देता से लेकर के मुक्ति प्रदान करने वाला का नाम देते आप हैं, सबका सम्मान होता है। इसलिए संतों ने गुरु का नाम लिया है। ऐसे कोई नाम हजारों में से कोई आप नाम जप सकते हैं, जितना बल गुरु के नाम में है और में उतना नहीं है। गुरु का नाम आदि काल से देवता को भी गुरु किया है, दानव गुरु किया है, ये मानव बीच वाला जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया। देवता दानव गुरु किया है, लेकिन ये मानव एक खोपड़ी उल्टा हुआ है। जब भगवान राम स्वयं राज किया अपना धरती पर 11 वर्ष तक, अब सोचते परलोक जाना हमको है। राज तो करके जो होना था प्रजा को हम सुख दिए, लेकिन अब हमको भी अपना घर जाना है। भगवान राम क्या करते हैं, याद करते हैं, अरे सब काल के बस में है, काल सबके पकड़ता है, चाहे आपको बांध के ले जाए, चाहे आपको आदर से ले जाए, ये काल छोड़ेगा नहीं। गुरु भाई कहते हैं कि बसना चाहते हो काल से, हे बाबू ये संसार क्या है, बाघ की तरह है, बाघ खाता है सबको। माघ भूखा भाग काल को मुख पड़ो है बावरी, होश करे जे तो सवेरे बचो ध्यान के दावरी, काल मुख से नींबू की भागो ध्यान भाई। उम्र घटा नहीं, घटा रहे हैं आप उम्र को अपना, जितना सोते हैं उम्र ज्यादा आपका है, जितना जगते हैं आप उम्र आपका बढ़ेगा। सांस खर्चा हो रहा है आपका, सांस को बचाइए आप, ध्यान करने वाला का आयु बढ़ता है। सांस बूढ़े हो गए थे, जब मैं आता था उनके पास गपशप करते थे, गुरु भाई का कहानी कहते थे, कितना लंबा उम्र पाया था, उतना हम लोग जी पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग गुरु का भक्ति एग्निष्ठ किया था। इतना बड़ा कुआठ को दान करना आसान काम है, बड़ा बड़ा जमींदार लोग करके दिखा दे, हमको देखते अपना कुआर पहाड़ी झाड़ी गुरु भाई को लिख देगा दृष्टि करके, उसी का विद्वान जैसा बेटा है, लिखे तो पांच गाजे भी दो गाजे भी दुमका लिखे तो कोई तो है भी नहीं, बड़ा मुश्किल है। वो लोग त्यागी महात्मा थे, परिवार में थे, लेकिन त्याग था। दुर्गा जी बोलते रह गए हैं, लेकिन नीच वचन नहीं बोच रहे, खंचड़ी की वजह से खतरा नहीं बोच रहे। तो भाई कबीर साहब कहते हैं, कर करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में पड़े होएगा कब करोगे, कोई ठिकाना नहीं है। काल नहीं बुझने वाला है, ये बुढ़ा है, ये बच्चा है, काल कपट्टा मारेगा, लेकर चल देगा और सब चिपड़ा हुआ रह जाएगा। छोड़ छोड़ करके आए हैं, घर में लाखों लाख चिता में पड़ा हुआ है, एक मुट्ठी रावत आपका परिचय है, एक बूंद से बने हैं आप, एक मुट्ठी में हो जाएगा। एक परिचय आपका जीवन का है, लेकिन दिव्य संसार का लोग कितना आदमी बैठा है, डीजे बजता है अभी, लड़की नाचती अभी, भीड़ होता वहां पर, जब वह कलयुग वहां पर है, यहाँ सतयुग है। यहाँ जो आए हैं ये आपका बेकार नहीं जाएगा, सबसे आप नहीं भी हैं, ये पूंजी आपको बैठो टिकट मिला है आपको। एक रिक्शा वाला गरीब सत्संगी था, लेकिन रिक्शा चलाकर खाता था। एक सेठ जी बहुत कंजूस, एक कचीवा होना चाहिए उसका भी,
इतना कंजूस था, अरे भाड़ा 10% यहां से हैरान कुहाड़ी जाने के लिए 10% सब देगा कम जो है मेरी ये थोड़ा कम हुआ चाहिए कमाई 10% तो भाग खुला हुआ सबके लिए कहा अगर कम लेगा तो रिश्ता वाला है कम खड़ा की गुटका पुड़िया कुछ नहीं खा सकता वहां लेवा सब कुछ गया उसके पास रिश्ता वाला हमको चौक पहुंचना है पहुंचाओगे कहा पहुंचाएंगे कहा पैसा जो दे दीजिए जाने गुरु बराबर कहा चलिए चलिए आया कर फिर रोटी लाद लिया कहा कि देखिए हम तो पैसा कम लेते हैं रिश्ता संग सुनाते हैं सुन बोले हाँ हाँ सुने आप पैसा कम लगाओगे ऊपर मत सोचे बोल बोल यदि सुनू हाँ करे थे रिश्ता में चढ़ गया किस्सा कहानी करते हुए जा रहे हैं शेर जी सुनते हैं कि हाँ सुनो सुनो मन तो है नहीं अब पैसा कम लुआ खातिर हाँ हाँ सुनो सी चौक पहुंच गया कहते कहते सामान उतार दिया कहा शेर जी राम राम आज का अगला हफ्ता आप अगला हफ्ता हम दोनों वही मिलेंगे ताकि बोले थे मन सात दिन तो छो आज उम्र और एक हफ्ता आज वैसी मोर छो पहले भी मर वो तमी मोर सुनो हर सात तक अचर के बाप की बोलो छे कहा सेठ जी 7 दिन का आयु आपका है और जो सुने हैं थोड़ा ख्याल कीजिएगा सुन यहां कुछ नहीं बोल रहे इधर से इधर कहा कुछ बुझू इतना बोले हम तो बड़ा ख्याल नहीं छो भाई बड़ा ख्याल नहीं अरे अपना ख्याल रखिएगा इसका जो फल होगा कहा वाजी हमको दीजिएगा आप कुछ नहीं कहिएगा जितना सुने हैं ये घंटा सत्संग करते आपके साथ में इसका जो वाजी फल हमको वही दीजिएगा हम बेसी नहीं कम नहीं इतना कह दिया सेठ घर आया चिंताओं में पड़ गया सब बात बुलाते हैं बाल बच्चे पत्नी को भाई आगे तो मुझे ना मुस्ताद दिन बात अच्छे बोलो तो है क्या मरो अरे बेटा कब आज कल से मुझे सवाल वो एक सब बोलो बोला दे फिर डोर डोर लगा जे बाहर कहे सिपाही एक काम करती आज तक सप्ताह पूर्ण वाला छे पूरा मूल लक्ष्य वाले के उसने पाए इतना सुनना था गए हैं देखने के लिए सही रिक्शा वाला का आगे जा रहा है कहा रिक्शा पूजा कंफा की और मरिए गए गुजरा जो मुझे आप सुनने के हाँ पास बाबू वहां मोह तो मोमो कर वहां पहले मोर मो पहले आ मो जो हफ्ता टाइम मोक दिया छे जब वहां मोरिए गए तब मोह अब नंबर सही छे उसे घर किसने पकड़े ले खाना पीना सब छोड़े दे और की खाओ की कमाओ जब मोर नहीं छोटा की माने ये के है गुरु महाराज रिक्शा वाला फेर बोले से गुरु जी आप ठीक ये कर साहब आप खाना पीना सुखा दे रेडी लागा फेर पहुंचे कुछ नहीं है कहा नहीं जी आप मोह बोलू आज जिंदा है मोह बोले के बाद सही माने में सातवां दिन आया हफ्ता पूर्ति पूर्ते ऐसे भी मर गया जमराज कस के बाढ़ा हाथ पैर घसीटते ले गया है तो जमपुरी में पन्ना उल्टा उल्टा खाली झूठे कुछ झूठे को उल्टा पुलटा काम नरक का यात्रा से लिखा हुआ नरक में डाला जी एक पन्ना उल्टा है 15 दिन पहले सुना है सत्संग उठो पन्ना फिर उल्टा दिन आवे दिन जावे उसकी गिनती नहीं जो दिन हर एक पहले जावे डायरी से तैयार हो गया सबका नाम दुर्गा जी करा रहे हैं हम लोग सुनने आए हैं जितने आने सबका डायरी में नाम है जो खाना बनाते हैं उसका भी नाम चल रहा है ऐसा बात नहीं जो पेट सुनते रखता नहीं जो सेवा में लगे हुए हैं उनका भी नाम करता है तो खड़ा बनाता है तो कुछ का हाँ सही दिल से और नहीं दिल सही नीचे न तक कुछ लोग
अगर फिबोनाची भाई तो पावे लागते न तो पता ही नहीं के कुछ करो नहीं करो लेकिन बाबा जी खावे ले ख्याल रखो कम से कम हाथ पैर धोए चप्पल डाल धोए कम से कम लड़ा कौन रखो दिला के पाप तब धर्म काम नहीं पहनना पाप लगलो रोटी बनाची ये सब ज्ञान सत्संग जाने पड़ता घटता करो है अरे मछली मांस खाते खाई कौन मना करता है अरे सुनिए मनुष्य है कर्म कीजिए मुसलमान लोग खाता पीता है सब पैसा को छोड़ देता है अरे हम भी लीजिए मनुष्य मंदिर में लाए सर को सफाई कीजिए अरे खाना पीना जब आपका मन मान कर खा जाएगा लेकिन कर्म तो कीजिए कम से अपना बेटा उनका पुण्य का जमराज जी कहते हैं अरे तुमको करके लिखा हुआ है लेकिन एक पन्ना उल्टा है तुम्हारा कुछ पुण्य तुम्हारा निकला है क्या करोगे कहा जो कुछ निकला है पहले स्वर्ग दीजिए हमको वहां तो आज रहना ही सदन रहेंगे ही एक दिन का है लिखा हुआ स्वर्ग दे दीजिए हमको कहा जाओ सिपाही को साफ कर दिया जम्मू तो लेकर जाओ बैकुंठ में घुसा देना अब बैठ के रहना एक घंटा होगा निकाल लेना जम्मू साधे गया है बैकुंठ घुसा रिक्शा वाला सत्संग करता है वहां पर ईशान से यह रिक्शा किसका था आज वहां वो बैकुंठ बैठा हुआ है पंखा झेल रहा है और सत्संग आवाज कर रहा है जैसे देखा सेठ जी गुरु जी प्रणाम धर्म से पहुंच गिरी गुरु जी धन चिस्ती तुम्हारे खातिर आज भी इच्छा मनो गुरु जी तिमर गुरु जी का क्या हो गया तो भगवान दीना लोग उठा जे कहा कुड़िया और गेटो दीना लोग उठा जे का बोटवा दे वहां दिशा बोट तक आपका बंद करती उधर बोलते किसती बंद कर लिया गुरु जी ये सत्संग करता है और वो सुन रहा है तो जम्बू कहते हैं जल्दी हो वहां तक हो जाएगा लास्ट में भगवान विष्णु पास जाते भगवान ये पापी जीव आ गया है कोई इसका पुण्य नहीं है ना गुरु किया है सत्संग थोड़ा सुना था इसी का फल दिखाने लाए हैं बैकुंठ देखो कैसा से यहाँ पर होता है ये बाहर नहीं होते यहाँ से तो भगवान विष्णु की कोच है सुनिए भगवान विष्णु ने कहते हैं सन्मुख होई जीव जब मोही कोटि जन्म अगर सौ तभी जब ही मेरे सामने आता है सब पाप खत्म हो रहा है जामदूत को वापस जाना पड़ा और रिक्शा वाला के साथ में बैकुंठ चला गया सत्संग सुनने पर अपना फल है लेकिन कल जो सवार है खोपड़ी में उल्टा बात बुझेगा इसे कवि साहब कहते हैं घटनी को बढ़नी कहे घटनी को बढ़नी कहे दूध को कहे खुराला अच्छी को गाली कहे देख कविरा होया हम लोग बहुत घर वाला क्यों था घर साफ को बोहनी को घर जब बड़ोजी बाकी को है बोहनी बड़ोजे में खटो से बोहना अरे बाही नारे ये खाद दी खाते हैं जाकर दिए खटने पड़े वह है वह तो खबर खटनी हवा दी बार की वहां हम खटनी हवा दी बोहनी नहीं वहां हम खटनी हवा दी मतलब बढ़ती खटनी छुआ मत 10 साल है ये शादी करूं बेटा अरे उम्र था 100 साल 20 साल खट गया वो तो खट गया पढ़ा कहा उम्र था 100 साल 20 साल उम्र बीत गया है अब 80 बचा है तो खटा की बढ़ा वहां को जब पढ़ ले बेटा हूं उसका खट ले तो वहां को पढ़ ले अब पढ़नी खटे को पढ़नी अब पढ़े अब दूध कहे खुआ 5 किलो दूध है ये तुम लिया जाल दीदे दीदे है के 1 किलो खुआ दूधा चल खत्म है दूधा अरे दूध थोड़ा कम हो गया है खत्म नहीं है खोए के चल दूध का तो छह कर लिया किलो अरे पूरी चलिए के चल खुआ का छह कर पर जब खत्म खुआ है खत्म कुछ नहीं
अरे भाई दूध तो है, ये है दूध का सार मक्खन तो है तुम्हारे। अरे ये किलो दूध में कितना मक्खन निकलता है? 50 ग्राम 100 ग्राम मक्खन निकलता है। अरे 5 किलो था तुम्हारा तो 500 तुम्हारा खुआ तो है ही है लोहिया में, कौन लेके भाग गया, कहाँ हेरा गया तुम्हारा खुआ? खुआ तो ही है, खोए गए। अरे खुआ तो नहीं है, कहाँ करा गया? अच्छा चलती को गाड़ी कहे, गाड़ी चलो चलती को गाड़ी कहे, गाड़ी तो चल रही है। अब अरे गाड़ी करा छे गाड़ी वो तो चले छे गाड़ी बाप बचे गाड़ी चलती को गाड़ी कहे। अरे गाड़ी वहां को फंथा फंथा गाड़ी छे बदरा खाए छे ईदा हो गाड़ी जहां चलो छे तो है चलती गाड़ी को निवा को गाड़ी या को गाड़ी इसे कभी जरूरत है क्या कहे दुनिया को उलट गया लोगों का। इसलिए कहते हैं उमरिया धोखे में खोई दियो, उमरिया धोखे में खोई दियो, द्वादश बरस बालापन भी दियो, बीस में जान भरो, तीस बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो, उमरिया धोखे में खोई दियो, ओ मरिया धोखे में खोई दियो, मरिया धोखे में खोई दियो, 40 बरस अंत जब लागो भारत मोह हो, धन पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो, मरिया धोखे में खोई दियो, ओ मरिया धोखे में खोई दियो, मरिया धोखे में खोई दियो, बरस 50 कमर भय ढेरे, बरस 50 कमर भयो ढेरे, सोचत खा भगवान ले जाओ आगे भगवान ले जाओ जल्दी कमर चढ़ा कोई कमर लाग नहीं जाओ भगवान ले जाओ आगे यही दुनिया है भाई। 1260-70 के भीतर कब पात घेर लियो, 1260-70 के भीतर केस सफेद भयो, कब पित ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा ना शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो भाई साधु चोला छूटी गयो, मरिया धोखे में खोई दियो, ओ मरिया धोखे में खोई दियो, मरिया धोखे में खोई दियो, धोखा में बीत रहा है उम्र, अलाज छुआ खेला खेलवा दे अभी जहाँ खेला हो तब यहाँ करते आप कमाम कजाम घोर द्वार बना आप कम आ जाए धीरे उषा से कम ही बोलते हैं की करूँ कुड़िया जमीन लूँ मोर बेटा करने का बढ़िया से रहने की चिंता से आप दोनों खरगोश है दोनों लगा छे है गए 50 कमर है तेरा आप कोई काम में लागनी बेटा बोलो से मोर बोली करो से तो बोल कहा मोर हो जाते हैं खिला खाली उठा बैठा खिला करते खिला मोर बोली करो चलते कहने ही दुनिया है भाई। इसीलिए नहीं गुरु का भक्ति कीजिए तन आपका स्वस्थ रहेगा, रोग नहीं पकड़ेगा आपका और आपका आयु लंबा होगा, क्योंकि खान पान आपका संयम में रहेगा तो स्वस्थ होना बढ़िया ही आपके लिए होगा। खान पान के चलते आज अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल बना है दियोरी में, फिलहाल दियोरी बना है
खेती बाड़ी कर लिया, पटुआ काट लिया, छीट लिया, सबको टका दे है भुगतान। बकरी खाली उधान को जेल बात गाली दीते बकरी पकड़े तो बोल दिखा दुनिया को बदले पटते हुए जा रहे। यही दुनिया है भाई। आज वैसा सोचे तो चलिए बोले बाबू जी खटपुड़िया को छिड़ के रहेगा भीतर उड़ी गया चिंता छिड़ के रहेगा माने कट सुधा हुआ था। देसी बोला अब पुड़िया मुठ में लिया लफ कंठ में रहा नहीं, बोलते बोलते सुन गया था। आज जैसे पुड़िया लिया तो ठोक मुख में कंठ पकड़ लिया वो इसमें कोशिश दे उठोड़ दे देवा। यही है दुनिया। लगते हैं पुड़िया में लिखा हुआ है ये कोई मसाला नहीं है ये मौत मसाला है, लेकिन फिर भी कैसा फिर खाएगा वही सब्जी। अरे कितना दुनिया खाने का चीज बनाया काजू किशमिश क्या क्या सामान, उतना औकात खाने का नहीं, खरीदने का पैसा नहीं है आपके पास, वो तो नहीं खाएंगे, लेकिन जो नहीं खाने का है वही खाएंगे। इसलिए कहते हैं कुआरी हाट को अड्डा है नशा का, कुआरी हाट में भट्टी चलता है, यहाँ का जो लोग तो उसी भट्टी का लीन है। वो है क्या, वो कीड़ा फरता है पहले से सड़ाता है भात को, उसमें कीड़ा बनता है, उसी कीड़ा का रस से शराब बनता है, लेकिन वही लोग पिएगा। नशा न खाना मान ले कहना, सुन मेरे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधु पागल फिरोगे तो बाजार में, दारू न पीना बंधु पागल फिरोगे तो बाजार में, बिकेगी गहना फिर क्या कहना, खाना होगी बड़ी खराबी। इतना खराबी है मुहिम चल जा नी बेचुम कह मुहिम चल दो छिदो हम नी नी मुहिम भाजो फराकी खावे छोर पराड़ो तुम्हारे इनको भी मुहिम का चावल छिल लिया देख लालू पी लिया मुहिम चल दो। गहना जेवर कुछ नहीं रखता, इसलिए कहते हैं निवेदन करते भाई इसका आदि मत बने, बर्बाद तुम हो जाओगे स्वयं। आयु तुम्हारा जवान तो पूरा नहीं हो पाओगे, तुम जवानी मर जाओगे, छोटा छोटा बच्चा और पति को तुम दुख दोगे, रात गालिया तुमको वो मरिए गे या दुख दे मुझे नहीं। भाई सबसे पीते हो आप मौत को भुला रहे हो, इसलिए निवेदन करते हैं सन महापुरु भाई लंबा आयु होगा, इसको छोड़िए। नाम को सुनाइए नाम में पावर है, इसलिए नाम के पावर से जिंदा मोटा को जिंदा करने का पावर नाम में है। तुलसी महाराज संत थे, उसकी शिष्या का पति मर गया था, उस समय सभी पता था उसको जलना है पति के साथ में, लेकिन गुरु क्या था जलने के लिए जा रही है, गुरु को प्रणाम किया गुरुदेव का बेटी सौभाग्य बनी हो आशीर्वाद का गुरुदेव मेरा भाग कहां बढ़ जाए, मेरे पति मर गए हैं हम सती होने जा रहे हैं। कहा बेटी हम भी साथ ले जाएंगे तुम्हारा। शमशान घाट पहुंचते हिंदू को तो वो भी भूल नहीं है, मुर्दा जल ले आते हैं ये भी ज्ञान नहीं है, मन ने तो विवेक किया कम से कम भगवान का नाम लो जल्दी पढ़ने में तो जल्दी जला घोर कर पति धरना चाहिए, वो जो भगवान का नाम नहीं मान चाहता है। जब बाबा और सब खड़े हो गए बाबा कहते हैं सब कोई पानी छीट लीजिए, सब कोई बैठ जाइए और हम जो बोलते हैं और आप लोग बोलिए। सब कोई बैठ गया और कहा कि सब कोई राम धुन कीजिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम का धुन करते हुए शमशान घाट में सबका आंखें बंद है, मुर्दा सीता बोल रहा है, आप सबका बंद है, मुर्दा उठिए उठिए कहते सुनिए सुनिए राम राम सुनिए राम राम करो आंख खोलिए। जब आंख खोलते हैं मुर्दा भी राम राम करता है, बेटी पति को लो ले जाओ घर। मुर्दा को जिंदा कर दिया नाम के प्रभाव से, चाहे राम का नाम बोलो चाहे कृष्ण का नाम बोलो चाहे शिव का नाम बोलो चाहे गुरु का नाम बोलो, लेकिन गुरु एक का नाम बोलो।
बहुत संसार में लड़का लड़की है, पति पत्नी किसका होता है, जहाँ पर ब्याह वो हर एक पति पत्नी दोनों को होना चाहिए, उसी प्रकार दीक्षा ले लिए है आप जो गुरु बताए हैं वही आपका पति परमेश्वर भगवान है। दूसरा का आप सेवा मत कीजिए, एक का सेवा करेंगे। छठ क्या है सुन रहे थे, छठ तमसी विरती बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्म। सब कर्मों को छोड़ करके गुरु का उपासना ध्यान साधना कीजिए। एक नाम का जप इसको हमारे भक्त कहते हैं, एक रूप का ध्यान इसको हमारा ध्यान कहते हैं। यही साधना का विधि है, इष्ट की साधना दोनों आपको एक करने के लिए। भगवान से को तीन आंख है, उनका संतान हम लोग हैं, तो हम लोग को भी तीन आंख है, वो आंख खोल लिया है, हम लोग नहीं खोल पाए हैं। तीसरा आंख खोले बताते हैं, तुम आपको खोल तीसरा आंख सब पाप जल जाएगा और तुम तर जाओगे। कहने की बहुत बातें हैं, इसलिए कहते हैं उसकी आत्मा स्वर्ग में है, इधर उधर नहीं। इतना बड़ा दान करके कहां जाएगी ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा स्वर्ग में है। आज वो दे रहे ज्ञान, उसके माध्यम से भाई मंदिर बना दिए हम, आकर सत्संग करो। जब वहां आओगे सब आचार कमल और चौक वाला छिप उसे कही सकते, लेकिन यहां आएंगे तब तो नहीं तो अलग हो जाएंगे, रास्ता बदल जाएगा। मंदिर बना है, इस गांव की शोभा है, सुबह सब आना चाहिए। जब इतना लोग बाहरी रोला बस्ती वाला कहां तो खोज गिर गए, बस्ती कहां लोग गिर गए, बाहरी बाहरी लोगों से कहने का भाव मन को समझाइए। यही पुण्य आपका साथ में जाएगा भाव, इसलिए नहीं नाम लेंगे रास्ता नहीं मिलेगा, कहां जाइएगा। और नाम का कुंजी पकड़ लीजिए, उसी नाम के सहारे अपना घर चले जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री शनो महाराज की जय। सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज।